प्रॉफिट है 36, रेवेन्यू ऑपरेशन है 2 लाख × 100। फिर अगला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालनी है। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, हाँ जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स कितनी है बच्चों, रेवेन्यू ऑपरेशन है 2 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने के हैं, 60,000 दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी 10,000 दे रखी है, 4 टाइम्स आ जाएगा। ये जो पेज नंबर 20 30, पेज नंबर 30 है, अगला पेज नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 17, हमें इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज डेप्ट अपॉन इक्विटी। हाँ जी, डेप्ट कितनी है भाई, डिबेंचर्स 20,000 के, और कुछ है नहीं है ना, डेप्ट है 20,000 की। इक्विटी क्या होती है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर अपल रिजर्व सरप्लस। इक्विटी शेयर अपल है 50, जनरल रिजर्व है 50, तो 0.2:1 आ जाएगी डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट है आपके सिर्फ डिबेंचर दिख रहे हैं, और कुछ दिख नहीं रहा। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व हो जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है। नेट सेल्स है 150 की, रेवेन्यू ऑपरेशन, नेट सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू ऑपरेशन। रेवेन्यू ऑपरेशन है 1.5 लाख के। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डेटर और कैश, डेटर्स और कैश हो जाएंगे जो करंट एसेट्स, डेटर और कैश हो जाएंगे करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, 30 टाइम्स हो जाएगा, 30 टाइम्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हम जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये
रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. इसमें अंदर दे रखा है जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 15. प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 15,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 15,000. जो पीबीटी और टैक्स रेट दे रखा है परसेंटेज में, पीबीटी माइनस टैक्सेस पैट. पीबीटी को ले लो एक्स, टैक्स रेट 50% है, पैट दे रखा है 15, एक्स आ जाएगा 30,000 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा पीबीटी आ जाएगा 30,000 रुपये का. डिवेंचर्स है 20,000 का 9%, 20,000 का 9% होता है 1,800. तो पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 31,800 का. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 31,800 का. कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो बच्चों. कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? डेब्ट प्लस इक्विटी होती है. डेब्ट कितने? डिवेंचर्स 20,000. इक्विटी कितने किया? डिवेंचर है 20,000 के, इक्विटी कितने किया? इक्विटी शेयर प्लस जनरल रिजर्व निकाली थी यहाँ पे हमने. इक्विटी यहाँ पे हमने इक्विटी निकाली थी 1,00,000 की. इक्विटी निकाली थी हमने 1,00,000 की. तो ये डेब्ट और ये इक्विटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. 31,800 अपॉन 1,20,000 इंटू 100. कितना? 26.5. कितना? 26.5. कर दूं भाई रेज? हो गया. जो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में भाई दो रेशियो होती है भाई, मैंने तुम्हें पहले बताया है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में दो रेशियो होती है. कौन कौन सी? एक होती है करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. आइडल रेशियो इसकी कितनी होती है? 2:1. और एक होती है लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. और लिक्विड एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. आइडल रेशियो 2:1 होती है, 1:1 होती है इसकी. चलो देखो जी, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 18 है. करंट रेशियो दे रखे 3.5:1, क्विक रेशियो दे रखे 2:1. इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक, कह रहा करंट एसेट माइनस क्विक एसेट से स्टॉक है, दैट इज इन्वेंट्री है 150 की. हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना है. हमें करंट रेशियो करंट लायबिलिटी निकालना है. करंट रेशियो इज 3.5:1. करंट रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक रेशियो 2:1. क्विक रेशियो फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी
इन्वेंट्री हमें दे रखी है 150 की, तो बच्चों यहाँ से पहली क्वेश्चन बन जाएगी करंट एसेट इक्वल टू 3.5 हो करंट लाइबिलिटी, ये आ जाएगी करंट एसेट माइनस 3.5 हो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू जीरो फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। यहाँ से दूसरी क्वेश्चन बना लो करंट एसेट इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगी करंट एसेट माइनस 150 इक्वल टू ट्वाइस हो करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस ट्वाइस हो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 150, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन है करंट एसेट माइनस 3.5 हो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू जीरो, करंट एसेट माइनस ट्वाइस हो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 150 सेकेंड इक्वेशन। यहाँ माइनस है प्लस, ये कट गया, ये प्लस हो जाएगा साइन, तो माइनस 1.5 हो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 150, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी जो 1 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 1 लाख रुपए की। अब इसके अंदर पुट कर दो करंट, उसके अंदर पुट कर दो इस पहली इक्वेशन में जहाँ पे करंट एसेट इक्वल टू 3.5 हो करंट लाइबिलिटी है, तो करंट एसेट आ जाएगी 3.5 हो करंट लाइबिलिटी, 3.5 इंटू 1 लाख आ जाएगा 3.5 लाख रुपये आ जाएंगे करंट एसेट्स, 3.5 लाख इस करंट एसेट्स। करें भाई शुरू, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, लिखो, लिखना पड़ेगा उसमें नहीं है। लिक्विड रेशियो दे रखी है 1.5, करंट रेशियो दे रखी है 2, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स, करंट एसेट है 8 लाख, करंट एसेट है 8 लाख, फाइंड आउट एनुअल सेल्स, हमें फाइंड आउट एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स निकालनी है इफ COGS आर 25% ऑफ कॉस्ट, देखो जी हमें सेल्स निकालनी है। सबसे पहले क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, देखो जो पहले करंट रेशियो से ना वो निकाल लेते हैं करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो 2 है, करंट रेशियो होती है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट दे रखे हैं 8 लाख के, करंट एसेट दे रखे हैं 8 लाख के, करंट एसेट दे रखे हैं 8 लाख के, यहाँ से करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 4 लाख रुपए की, यहाँ से करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 4 लाख रुपए की,
करंट लायबिलिटी आ जाएगी 4 लाख की। आप देखो लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो कितनी है 1.5। लिक्विड रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट, सॉरी लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। और लिक्विड एसेट फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। अब जो हमें करंट एसेट तो पता है 4 लाख के, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी एक्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकाली ना 4 लाख की, नहीं करंट एसेट 8 लाख के हैं, सॉरी करंट एसेट 8 लाख के हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है एक्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितने किया, दो लाख आ जाएगा जी, तो ये इन्वेंट्री आ जाएगा 2 लाख। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है बच्चों हमारी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है, एवरेज इन्वेंट्री तो गिवन नहीं है, तो एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। तो सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। यहाँ से आ जाएगा सीओजीएस आ जाएगा 12 लाख, सीओजीएस आ जाएगा 12 लाख, ग्रॉस वर्ड दे रहेगा 25% कॉस्ट। जो ग्रॉस ऑर्डर 25% कॉस्ट, 25% कॉस्ट है सीधा, तो 12 लाख का 25% 1/4 3 लाख रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा, रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा 15 लाख रुपए आ जाएगा रेवेन्यू ऑपरेशन। जो अगला देखो जी, पेज नंबर 30 क्वेश्चन 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 30 क्वेश्चन 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 30 है क्वेश्चन 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये हमें निकालनी है करंट एसेट ऑन द फॉलोइंग फॉर्मेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है जो 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड 20,000 है, इन्वेंट्री एट द एंड 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग है। रेवेन्यू ऑपरेशन 3 लाख है, जीपी रेशो 25% है, करंट लायबिलिटी 40,000 है, क्विक रेशो 0.75 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चो, 0.75:1 हमें करंट एसेट निकालने हैं। बहुत भारी आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में, क्योंकि ये रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू ऑपरेशन से, रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख, जो ग्रॉस फूड दे रखा है 25%, 25% किसका होगा, सेल्स का होगा, कुछ गिवन ना हो तो सेल्स का होता है, 3 लाख का 25%, 3 लाख का 25% कितना हो जाएगा 75,000। ये आ जाएगा जो सी ओ जी एस आ जाएगा, कॉस्ट गुड्स सोल्ड, कॉस्ट गुड्स सोल्ड आ गया 2,25,000 रुपये का। उसके बाद अब क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस अपॉन
एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 है, सीओजी 225 है, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग है। अगर ये एक्स है तो ये 20,000 ज्यादा है। सॉल्व करो, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 66250, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 66250। क्विक रेशियो में कौन सी इन्वेंट्री रखनी होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री रखनी होती है। तो क्विक रेशियो फॉर्मूला फॉलो, करंट एसेट निकाल लो। क्विक रेशियो है 0.75:1। क्विक रेशियो फॉर्मूला होता है भाई, क्विक एसेट वन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लोजिंग इन्वेंट्री रखी जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 66250, करंट लायबिलिटी गिवन है 40,000, करंट एसेट आ जाएंगे 96250। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, अच्छी तरह कर लेना। पेज नंबर 32 पहला क्वेश्चन देखिएगा, बस तीन क्वेश्चन और रह गए हैं खत्म। पेज नंबर 32 है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें करंट रेशियो निकालनी है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन है 1,50,000, टोटल एसेट्स गिवन है 1,00,000, शेयरहोल्डर फंड गिवन है 60, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है 20 और नॉन करंट एसेट गिवन है 50। हमें करंट रेशियो निकालनी है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट है बच्चों 1,00,000 के, और नॉन करंट एसेट्स कितने के हैं? 50,000 के। करंट एसेट निकाल लेना, 50,000 करंट एसेट आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएंगे बच्चों 50,000 के। करंट लायबिलिटीज निकालनी है, कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज आ गई आपकी 1,00,000 की। टोटल लायबिलिटीज शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड है 60,000, नॉन करंट लायबिलिटी 20,000, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी यहां से।
करंट लायबिलिटी आ जाएगी 20,000 रुपये की, 2.5:1 हो जाएगी, 2.5:1 हो जाएगा। फिर है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज क्या होता है भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स दैट इज रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू ऑपरेशन ऑन वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन है 150 का, करंट एसेट्स है 50,000 के, करंट लायबिलिटी 20,000 की, 5 times इज द आंसर। हो गया भी नोट। सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 32 क्वेश्चन सेकेंड, इसका एक और क्वेश्चन है खत्म, पेज नंबर 32 क्वेश्चन सेकेंड, हमें निकालनी है करंट रेशो, हमें निकालनी है करंट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। गिवन है सेल्स गिवन है 1 लाख, सीओजीएस गिवन है 80% सेल्स, इक्विटी शेयर अपल 7 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, नहीं जनरल रिजर्व 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000, क्विक एसेट 6 लाख, 9% डिवेंचर 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी 50, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10 और करंट लायबिलिटी 40। जो पहले निकालनी है करंट रेशो, उसके लिए हमें चाहिए होगा करंट एसेट, क्विक एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्विक एसेट है 6 लाख, करंट एसेट्स इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10, करंट एसेट आ जाएगा 660, करंट एसेट आ गया जो 660 के, करंट लायबिलिटी 4 लाख है, ये करंट लायबिलिटी 4 लाख है, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 660 अपॉन 4 लाख, करंट रेशो आ जाएगी। फिर है डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होती है, डेब्ट अपॉन सर डेप्ट कितना है, डिबेंचर्स 5 लाख, इक्विटी कितने हैं, हाँ जी सर इक्विटी कितने किया, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस 10 लाख, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितने आ गया 0.5:1, लास्ट ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो सीओजीएस सेल्स है 1 लाख, COGS 80% सेल्स,